गुड इवनिंग दोस्तों, वेलकम टू टाइम एंड टेस्ट। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपना टाइम एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज मैं आपको एक साग की अलग सी रेसिपी देने जा रहा हूँ। ये सरसों का साग नहीं है, पालक का साग नहीं है, मेथी का साग भी नहीं है। तो ये साग है जो हमारे घरों के आसपास, बात कर रहा हूँ मैं हिमाचल की, तो हमारे घरों के आसपास खेतों में अपने आप उगता है। इसको लोकल लैंग्वेज में कहा जाता है लल्यारा। तो इस तरह के इसके पत्ते ये रहते हैं, थोड़ा सॉफ्ट होते हैं, मोटे से पत्ते होते हैं और काफ़ी बड़ी बड़ी इसकी जो बेल होती है, वैसे चलता है, पूरी ज़मीन पे लगा होता है। उसको तोड़ के अच्छे से मैंने साफ़ कर लिया, धो लिया है इसको। तो इसका साग बनाएंगे, बहुत हेल्दी होता है, आयरन बहुत ज़्यादा इसमें होता है। तो इसके लिए आप चाहें तो आप इसमें पालक भी डाल सकते हैं, कोई सब्ज़ी भी इसमें आप डाल सकते हैं। तो ये साग अगर आपको पता है तो इस तरह के ये इसके पत्ते हैं जो आपको दिख रहे हैं, ये देखिए। और टेस्ट भी इसका काफ़ी बहुत अच्छा होता है इसका। तो इसके रायता भी बनता है, इसके पकौड़े भी बनते हैं। तो अभी के लिए हम सिर्फ साग बनाएंगे, बाकी की रेसिपी मैं आपके साथ बाद में शेयर करूंगा। तो इसमें मैंने डाला है घिया, तो ये भी किचन गार्डन से लिया है, फ्रेश है, बिल्कुल ऑर्गेनिक। और साथ ही इसमें हम डालेंगे एक अदरक का टुकड़ा, करीब आधा इंच है, और 2 से 3 हरी मिर्चें। तो इसको प्रेशर कुक करेंगे सबसे पहले। तो प्रेशर कुकर में इसको 2 विसल आने तक हम कुक करेंगे। आप इसको बारीक कट करना चाहें कर सकते हैं, लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप अच्छे से बहुत अच्छी तरह से गल जाता है ये। तो इसमें डाल देंगे ये घिया भी, और आइए इसको प्रेशर कुक करते हैं। प्रेशर कुक करेंगे इसको। तो मसालों में इसमें डाला है मैंने नमक, थोड़ा सा स्वाद के अनुसार, थोड़ी सी हल्दी, हींग डाला है इसमें करीब 3 से 4 चुटकी, सौंफ, ये जो खाने वाली सौंफ होती है मीठी, और थोड़े से मेथी दाने। पानी इसमें बिल्कुल थोड़ा सा डालेंगे क्योंकि इसका अपना काफ़ी पानी ये रिलीज़ करेगा। तो करीब आधा कप मैंने इसमें पानी डाला है, और प्रेशर कुकर का ढक्कन लगा के इसको 2 विसल आने तक हम स्टीम करेंगे। तो 15 से 20 मिनट लगेंगे इसको सॉफ्ट होने में। प्रेशर कुक होने के बाद ये बिल्कुल थोड़ा सा रह गया है, तो इसको हैंड ब्लेंडर से ब्लेंड कर लेते हैं, अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो दोस्तों, ब्लेंड करने के बाद ये ऐसे इतना सा ब्लेंड कर लिया है मैंने इसे, अब इसे लगाएंगे तड़का। तड़का लगेगा इसका देसी घी में, और इसमें डालेगा जीरा और लहसुन, हल्का सा इसे चटकने देते हैं गर्म होने के बाद। और अब इसमें डालेंगे बारीक कटे हुए प्याज, इनको हल्का ब्राउन होने तक इसको भूनना है। प्याज हल्का ब्राउन होना शुरू हो चुके हैं, इसमें हम डालेंगे एक लाल मिर्च, इसको मैंने कट नहीं किया है, बीच में से सिर्फ फ्लिक किया है। तो इसको बस तलना है, इसके साथ ही प्याज भी जो है अच्छे से ब्राउन हो जाएगा। दोस्तों, प्याज भी अच्छे से ब्राउन हो चुका है, अब इसमें डालते हैं साग। साग डालने के बाद इसे सिर्फ 1 से 2 मिनट तक लगातार चला के पकाएंगे और साग रेडी है। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये नई रेसिपी साग की, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।